अरे कैसे नौकर हो तुम चवन्नी उठा के? चोर आकर पूरा घर लूट कर ले जाते हैं और तुम लोग हो कि तुम्हें कुछ खबर तक नहीं। हम सोए हुए थे मालिक, हमें कैसा पता चलेगा? चुप, मैं तुम्हें सोने के पैसे नहीं देता, समझे चवन्नी उठा के? जी नहीं मालिक, लेकिन इसमें हमारी गलती तो नहीं? मुझे यकीन है ये चोरी तुम में से ही किसी एक ने की है। भगवान के लिए हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए मालिक, मेरे घर में दो छोटे बच्चे हैं, उनके कसम खा के कहती हूँ मालिक, मैंने आपके पैसे को देखा तक नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो चवन्नी उठा के? क्षमा करें मालिक, लेकिन केवल शक के आधार पर आप हम पर इल्जाम मत लगाइए। तुम ऐसे नहीं मानोगे चवन्नी उठा के, ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी ही करनी होगी मुझे चवन्नी उठा के। लूट गया पंडित जी, बर्बाद हो गया, समझ में नहीं आता अब क्या करे चवन्नी उठा के। शांत हो जाइए चंदीराम जी, शांत हो जाइए, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिल जाएगा। मेरी बेबी अभी तक उस हादसे से बाहर नहीं निकल पाई पंडित जी। स्वाभाविक है चंदीराम जी, पूरी कमाई जो आपकी चली गई। कुछ भी कीजिए पंडित जी, मुझे मेरा धन वापिस दिलवा दीजिए चवन्नी उठा के। हाँ कुछ सोचते हैं। तिजोरी की चाबियां और किसके पास रखते हैं आप? मैं बनिया हूँ पंडित जी, खुद के साए पर भी कभी भरोसा नहीं करता। तो इतनी बड़ी जोखिम घर में रखकर आप तो? तिजोरी की जगह सिर्फ मुझे मालूम है पंडित जी चवन्नी उठा के। अच्छा, घर में और कौन कौन है आपके? हमारे सिवा अब चार नौकर और एक नौकरानी। किसी पर शक है आपको? मुझे तो नौकरों पर ही शक है, कल मैंने सबको पूछा लेकिन कोई कबूल नहीं कर रहा था चवन्नी उठा के। भला चोर कभी अपनी चोरी कबूल करता है? लेकिन उन पर शक लेने का कारण क्या है? देखिए सीधी सीधी बात है पंडित जी, जिस घर में पांच पांच नौकर निगरानी के लिए रखे हो तो बाहर का चोर आकर कैसे चोरी कर सकता है घर में? चोर आकर पूरा घर साफ करके ले गया और इन नौकरों को खबर तक नहीं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता पंडित जी चवन्नी उठा के। ठीक है एक काम करते हैं, कल सुबह मैं आपके घर आ जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद पंडित जी। हाँ हाँ। तो तुम में से कोई भी चोर नहीं है?
बिल्कुल नहीं मालिक। ठीक है, एक काम करते हैं। ये कुछ लकड़ी के तीर है मेरे पास। हाँ, ये अभिमंत्रित है। आप में से जो कोई चोर होगा उसका तीर 2 इंच लंबा हो जाएगा। हम कल सुबह यही मिलेंगे। अगर आप सच्चे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं। चंदीराम जी, कल सुबह शायद आपका चोर मिल जाएगा। जी सच, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर चवन्नी उठा के। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है चंदीराम जी, इसमें एहसान की क्या बात है। मैं कल फिर आ जाऊंगा, अभी चलता हूँ। चंदीराम जी, आज आपको चोर मिल जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी। मैंने कल तुम्हें जो लकड़ी के तीर दिए थे, क्या तुम मुझे वो वापस दे सकते हो? जी हाँ। आपका ये नौकर चोर है चंदीराम जी। आ? 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 पंडित जी, क्या सचमुच वो लकड़ी का तीर लंबा हो गया चवन्नी उठा के? लकड़ी का बेजान तीर क्या कभी इस तरह अपने आप लंबा हो सकता है चंदीराम जी? मतलब तीर लंबा होने के डर से उसने अपना तीर 2 इंच काट डाला था। ये देखिए। नमक हराम, जिस घर में खाया उसी घर में चोरी की तूने चवन्नी उठा के। क्षमा करे मालिक, मैं भटक गया था। तुझे तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए चवन्नी उठा के। नहीं मालिक, घर में बीवी बच्चे हैं, आज ही मैं आपका धन वापस कर देता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कोतवाल के हवाले कर दूंगा, सजा दिलवाऊंगा, ले जाओ इसे। आ, 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 आ। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा पंडित जी, चवन्नी उठा के। मैंने उस दिन भी कहा था एहसान की बातें ना करें, ये तो मेरा कर्तव्य है। जाते जाते एक बात कहूँ आपसे? जी पंडित जी। धन वापसी के बाद कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दीजिए, लोग आपको दुआएं देंगे। जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करूंगा चवन्नी उठा के। चलता हूँ मैं।